हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हम जानेंगे डिप्ट फंड के बारे में। डिप्ट फंड एक्चुअली होता क्या है, इसका एवरेज रिटर्न कितना आता है, इससे इसमें रिस्क क्या होता है, इसमें लिक्विडिटी कैसे रहता है, और एंड में हम जानेंगे कि मॉडल पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है डिप्ट फंड को लेके। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं डिप्ट फंड होता क्या है। देखिए, आप जब डिप्ट फंड में निवेश करते हैं तो आप मान के चलिए ये डिप्ट फंड जो है वो आपके पास से पैसे लेके कुछ भी कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कॉरपोरेट को उधार देता है या फिर गवर्नमेंट को वो उधार देता है या फिर वो जो पीएसयू बैंकिंग या बैंकिंग सेक्टर को वो लोग उधार देता है। तो आप ये समझ सकते हैं जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाते हैं तो आप इक्विटी को बाय करते हैं, कोई बिजनेस को आप खरीदते हैं, और इसमें डिप्ट फंड में एक तरफ से आप वो सब बिजनेस हाउस को अपने जो पैसा है उसको उधार में दे रहे हैं, उसके बदले में वो लोग कुछ फिक्स्ड रिटर्न या फिक्स्ड जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको देता है। तो यही मेन डिफरेंस है आपका डिप्ट फंड और इक्विटी फंड में। डिप्ट फंड में आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली सुरक्षित होता है, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग किसी को उधार में दे रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड फंड है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ उधार दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका डिफॉल्ट करने का चांस एकदम जीरो के बराबर है, तो वहां से तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो ऐसे डिप्ट फंड को हम सिक्योर थोड़ा सा बोल सकते हैं कंपैरेटिवली। आगे जाके हम देखेंगे उसमें भी क्या रिस्क रहता है। तो अब आ जाते हैं हम एवरेज रिटर्न के तरफ। देखिए, म्यूचुअल फंड में, डिप्ट फंड में आपका बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, और उस हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो डिफरेंट आता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम ले लेंगे तो नॉर्मल सिचुएशन में ऑन एन एवरेज आपका जो डिप्ट फंड है वो 8 से लेकर 9% तक रिटर्न देते हैं। ये डिपेंड करता है उस टाइम आरबीआई का रेपो रेट क्या है, आरबीआई का या इंडियन गवर्नमेंट का रिटर्न ऑन इंटरेस्ट कैसे चल रहा है, ये सब बहुत सारा फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व रहता है। लेकिन ऑन एन एवरेज ये जो समय चल रहा है इसमें 8 से 9% आप एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हैं। लेकिन जब एबनॉर्मल सिचुएशन कभी आता है, जैसे कि अब कोविड-19 के वजह से चल रहा है, इकोनॉमी में थोड़ा सा टर्मोइल आया है, उस टाइम अगर देखेंगे इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है, इस टाइम कुछ कुछ डिप्ट फंड आपको 12 से लेकर 14% तक भी रिटर्न दे रहा है। लेकिन वो जो रिटर्न है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। तो आप एवरेज रिटर्न अगर मान के चलते हैं तो एवरेज रिटर्न आपको 8 से लेकर 9% तक ही आपको मान के चलना है जब आप डिप्ट फंड में निवेश करते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन फैक्टर जो है रिस्क फैक्टर के ऊपर। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिस्क जानने का बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए, क्या रिस्क इन्वॉल्व है। डिप्ट फंड एकदम रिस्क फ्री नहीं होता है। हाल ही में आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड डिप्ट फंड जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इन्वेस्टर का पैसा वहां पे ब्लॉक होके आया है, अभी भी कुछ केसेस वगैरह चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डिप्ट फंड में निवेश है वो फुल रिस्क फ्री नहीं है। हाँ, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से उसको कंपेयर करेंगे तो डिप्ट फंड डेफिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा रिस्क फ्री है, थोड़ा सा सिक्योर आप बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन पूरा ये रिस्क फ्री नहीं है। तो निवेश करने से पहले आप रिस्क थोड़ा सा जान लीजिए। रिस्क जानने का सबसे अच्छा क्या है, आप देख सकते हैं उसका जो पोर्टफोलियो है। जैसे कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में टॉप होल्डिंग्स देखते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं म्यूचुअल फंड का, वैसे ही डिप्ट फंड में आप जब निवेश करेंगे उसका पोर्टफोलियो या टॉप होल्डिंग आपको देखना है। वहां पे देखना है कि AA या AAA रेटेड बॉन्ड में ही वो फंड निवेशित रहना चाहिए। AAA रेटेड मींस जो कंपनी में वो पैसा लगा रहा है या कंपनी में जिस कंपनी को वो डिप्ट फंड उधार दे रहा है वो कंपनी बिजनेस वाइज स्टेबल है, तो उन लोगों को जो लोन चुकाने में आसानी होगा, तो ये AAA रेटिंग या AA रेटिंग आप जरूर देखिए। तो डिप्ट फंड का टॉप होल्डिंग्स पोर्टफोलियो में आपको AAA या AA रेटिंग क्या है वो जरूर देख के आपको निवेश का डिसीजन लेना चाहिए। जिस डिप्ट फंड का पोर्टफोलियो में जितना ज्यादा AAA रेटेड अच्छा कैटेगरी का आपका बॉन्ड या सिक्योरिटीज रहेगा वो डिप्ट फंड उतना ज्यादा सिक्योर माना जाएगा।
अब आ जाते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी बोले तो अगर हम लोग कितना जल्दी फंड से निकल सकते हैं और उसके बदले में हमें कैश मिल सकता है, कितना जल्दी हम एनएवी को रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इक्विटी फंड से थोड़ा सा कंपेयर करें तो इक्विटी फंड से मैं बोलूंगा थोड़ा सा ज्यादा लिक्विडिटी आपका डेब्ट फंड में है, क्योंकि देखिए अगर इक्विटी फंड मान लीजिए -10% या -5% रिटर्न दे रहे हैं माइनस में, तो आपका मन में करेगा कि नहीं थोड़ा सा दिन रख देते हैं उसके बाद हम रिडीम करेंगे, लॉस बुक नहीं करेंगे, ऐसा इन जनरल साइकोलॉजी रहता है। लेकिन डेब्ट फंड में क्या है, आपको प्रॉफिट या रिटर्न जो है कम मिल सकता है, लेकिन वो भी पॉजिटिव मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एक साल में बहुत ही रेयर केसेस में वो नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो उस केस में अगर आपका थोड़ा सा मुनाफा भी आपको दिखा या ग्रीन आपको दिखा स्क्रीन में, तो आप इजीली आपका साइकोलॉजी बोलेगा ठीक है अगर रिडेम्पशन चाहिए हमको तो हम जल्दी रिडीम कर सकते हैं और वो पैसे को हम निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी वाइज ये इक्विटी फंड से थोड़ा सा अच्छा है, आप लोग इजीली इसको रिडीम कर सकते हैं अपना म्यूचुअल फंड को और उसके बदले में पैसा आपका बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। अभी आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है आपका पोर्टफोलियो। एक मॉडल पोर्टफोलियो डेब्ट फंड का क्या होना चाहिए, देखिए इन जनरल कुछ थंब रूल है बाजार में जैसे चलता है और कुछ है आपका अपना खुद का जो डिसीजन है। इसमें 3-4 फैक्टर काम करता है, जैसे कि आपका एज कितना है, दूसरा है आपका जो इनकम है वो क्या क्या कैटेगरी में होता है, जैसे कि आपका इनकम बहुत अच्छा है या आपका इनकम जो है ठीक ठाक है, मतलब आप जैसे कि आपका संसार का जो खर्चा है वो एक्सपेंसेस होने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा बचता है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा बचता है कि नहीं, ये सब जो फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज आप वो पैसा डेब्ट फंड में रखेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रिस्क टॉलरेंस। आप अगर ज्यादा रिस्क लेने के काबिल है या फिर आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो ये सब फैक्टर काम करता है जब आप मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो इसमें मैं एक थंब रूल जैसे आप लोगों को बता देता हूं क्या है, और मान के एक एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं कि मान लीजिए आपका उम्र 30 ईयर्स है, आपके पास एक अच्छा नौकरी है, आप लोगों को जो एक्सपेंस होने के बाद संसार खर्चा होने के बाद आप लोगों के हाथ में थोड़ा सा अच्छा ही पैसा बचता है, ऐसा अगर आप कैटेगरी में है तो आपका जो उम्र है उतना प्रतिशत आपका जो हिस्सा पोर्टफोलियो का वो डेब्ट फंड में रहना चाहिए। जैसे कि आपका उम्र अगर 30 ईयर्स है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका लगभग 30% के आसपास चीज आपका डेब्ट फंड में रहना चाहिए और आप 70% जो एसेट है वो इक्विटी या अदर एसेट क्लास में आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए आपका उम्र 30 है लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने को पसंद करते हैं, आपको इक्विटी जो मार्केट है उसका संबंध में थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप 80-90% ऑफ योर पोर्टफोलियो भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं और सिर्फ 10-20% आप डेब्ट फंड में रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं आपका रिस्क टॉलरेंस के ऊपर। और होप आप लोगों को जो मैं ये 5 पॉइंट बताया, रिस्क बता दिया, आपका लिक्विडिटी बता दिया और एवरेज रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी जो मैं आपको बताया इस वीडियो में पहले, उसके हिसाब से आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है तो वो पोर्टफोलियो को आपको फिर से एक बार देखना चाहिए कि उसमें डेब्ट फंड का प्रतिशत कितना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डेब्ट फंड है तो आज ही जाके उसका जो टॉप होल्डिंग है उसका पोर्टफोलियो में जाइए, उसको देखिए टॉप होल्डिंग क्या है और देखिए वहां पे AAA या AA रेटेड जो सिक्योरिटीज है उसका प्रतिशत कितना। आपको देखना है कि वो फंड आपके लिए ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है, वो ऐसा सिक्योरिटीज में तो नहीं डील कर रहा है जो लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेब्ट फंड में क्या करते हैं आप लोगों को लोन देते हैं, तो उस टाइम आपको देखना है कि वो AAA AA सिक्योर सिक्योरिटी में ही और सिक्योर कंपनी में भी निवेश करे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। तो थैंक्स, वंदे मातरम, जय हिंद।